महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के लासूर में एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी में गरीबों को घर तोहफे में देकर शादी में फिजूल खर्ची करने वाले अमीरों के लिए एक मिसाल पेश की है। बिजनेसमैन अजय मुनोत ने 90 मकान बनवाए और सभी मकान अपनी बेटी श्रेया की शादी में गरीबों को तोहफे में दे दिए। ये मकान उन्होंने बेटी की शादी में होने वाले खर्चे को बचाकर बनाए हैं। वन रूम किचन वाले इन घरों की कॉलोनी को 2 एकड़ जमीन पर 2 महीने में बनाया गया है और इनके निर्माण में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अजय का कहना है कि रोटी और कपड़े की जरूरत तो सभी की पूरी हो जाती है, लेकिन बेघर गरीबों के लिए घर का सपना बड़ा होता है। शादियां तो बहुत होती है, आदमी खर्चा करता है, तो अपन ऐसा सोचना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपका अपना कुछ कर्तव्य होता है सभी के प्रति। और हम एक रूरल एरिया से, हम लासूर गांव जो गांव है वहां से है, तो हमारे सभी लोगों से रिलेशन थे और उन्होंने ये सुझाव दिया, हमको भी ठीक लगा। हमने चर्चा किया घर में कि भाई क्या करना चाहिए, तो हमने सोचा कि सही है, सही मायने में ये अन्न वस्त्र निवारा जिसे कहते हैं, आदमी अन्न दे सकता है, वस्त्र थोड़ा उसके ऊपर रहता है वो दे सकता है, निवारा नहीं दे सकता। तो हमारा भी समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है।